हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा कृष्ण। आज मैं आपके साथ कॉलर वाली ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और साथ ही अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे सारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से कपड़े को दो फोल्ड में फोल्ड कर लिया और मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 11 इंच और इसकी लंबाई मैंने रखी है 15 इंच और टोटल तैयार होने के बाद ये 14 इंच आएगा। हाफ इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और नीचे से हम हाफ इंच इसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम मैंने कंधा यहाँ पर रखा है 7.5 इंच पे, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टैंड कॉलर लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपका मेजरमेंट कुछ और हो तो आप उस हिसाब से कट करें। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर आर्म होल भी रखा है। इस तरीके से हम 7.5 पे मार्क करेंगे और एक चकट्टा निशान बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें 1 इंच का मार्जिन देके हम आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से 3 इंच रखेंगे और नीचे से 1 इंच और इस तरीके से हम रखेंगे तो शेप हमारा काफ़ी अच्छे से आता है, राउंड शेप। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका शेप काफ़ी अच्छे से आएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया। अब हम इसे कट कर लेते हैं। बैक पार्ट की मदद से ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए बैक पार्ट कट कर लेते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो अगर कहीं भी, तो आप मुझे प्लीज़ आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। एंड हाँ, वीडियो का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट की साइड में इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद हम 2 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से मार्क करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे और नीचे तीरा लगेगा। तो हम यहाँ से 2 या 3 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा लेके चलेंगे कपड़ा, क्योंकि डॉट लगाने पर छोटा हो जाता है और हमारे कपड़े ऊपर चढ़ते हैं। तो हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। अब हम आर्म होल को भी इसी तरीके से शेप में ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। अब हम बैक पार्ट के पल्ले को हटा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के गले को तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का गला जो मैंने 3.25 पे इस तरीके से मार्क किया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पर मैंने 6 इंच का गले की गहराई ली है और फिर इसे भी चौकट्ठा निशान मैंने बना के एक राउंड शेप दे दिया है, जिस तरीके से गोल गला बनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने राउंड शेप दे दिया। अब हम यहाँ तीरे का निशान लगाएंगे। तो देखिए 12 इंच पे हम मैक्सिमम 12 से या 13 इंच पे तीरा कट करते हैं। तो मैं यहाँ 12 इंच पे तीरा को मार्क करूँगी इस तरीके से। और दूसरे साइड से हम, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो अब इस तरीके से इंची टेप रखें और 6 इंच पे रखें। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा शेप काफ़ी अच्छे से आता है और हमारी मार्जिन भी इक्वल रहती है। तो इस तरीके से हम मार्क करेंगे और एक शेप दे देंगे इस राउंड शेप में। अब हम इसे कट कर लेते हैं। चलिए, दोनों पल्ला कट हो गया। अब इसे बीच से अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है। अब हम तीरा को भी कट कर लेंगे, जहाँ पे हमें मार्क किया था स्केल से उस हिसाब से, उस वहाँ पे हम इस तरीके से कट करके इसे अलग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैं आपको पहले आपको दिखा देती हूँ फ्रंट और बैक। तो ये देखिए हमारा फ्रंट है हिस्सा, इस तरीके से आएगा डॉट लगने के बाद। मैं डॉट में सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ये हमारा बैक है, इसमें मैंने कोई कटिंग नहीं किया क्योंकि कॉलर लगेगा। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए 2 फोल्ड है, नीचे 2 एक-एक फोल्ड है। अब हम गले चौड़ाई रखेंगे, वो हम 6.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा नीचे से मोहड़ी है वो 5 इंच है, यानी कि 10 इंच है। तो हम 6.5 इंच रखेंगे, 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब हम इस तरीके से स्केल को, इंची टेप को रखेंगे और 9 इंच पे मार्क करेंगे और देख लेते हैं हमारा कितना है टोटल। तो टोटल मेरा यहाँ पर जो बाँह की लंबाई है वो मेरी है 13 इंच, तैयार होने पे ये 12 इंच आएगा। इस तरीके से हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। अब हम इसे एक राउंड शेप देंगे, जिस तरीके से हम स्लीव में शेप देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे बाँह का शेप होता है। तो ये देखिए, मैं आपको अच्छे से क्लियर करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा बाँह का शेप इस तरीके से हो गया।
अब हम स्केल की मदद से इन नीचे वाली लाइन को और ऊपर लाइन को मिला देंगे इस तरीके से। ये हमारी मिल गई, अटैच हो गया। अब हम इसे कट करके अलग कर लेते हैं और इसमें मेरा दो स्लीव कट होगा। ये वाला हमारा हिस्सा नहीं है, आप ध्यान दें, ऊपर वाला जो डिज़ाइन है उसको मैंने कट कर लिया है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने डॉट की ओर कि हम डॉट कैसे बनाते हैं। तो फ्रंट पार्ट की मैं आपको डॉट बनाना बता रही हूँ, उसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी दो डॉट दे देते हैं। तो 4 इंच हम इस तरीके से रखेंगे इंची टेप की मदद से और 2-3.5 इंच ऊपर की ओर रखेंगे इस तरीके से और इसे मिला देंगे। साइड से हम जब कपड़ा दबाते हैं तो एक इंच दबाएंगे यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में और बगल वाले हिस्से में हम 1/2 इंच दबाते हैं। अब हम यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे इस इंची टेप और इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे दूरी भी। और ये दोनों डॉट जो होता है हमारा मेन होता है, इन्हीं दोनों डॉट की मदद से ही हम दो डॉट अपने से बना लेते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो फिर भी डॉट बनाने में, तो आप इंची टेप की मदद से 2-2 इंच की दूरी रख के इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ फ्री हैंड दोनों लगा रही हूँ, तो इसी तरीके से मैं दोनों साइड में दोनों पैटर्न में डॉट लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। तो मैं यहाँ 1 इंच कपड़ा दबाऊँगी इस तरीके से और दूसरे साइड में मैंने 1/2 इंच दबाया और फिर यहाँ पर हम ऐसे कपड़े उठाएंगे, फिर इसके बाद इसे भी हम इस तरीके से डॉट लगा देंगे। अगर आपको स्पेशली डॉट लगाना सीखना है या फिर डॉट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी हर सारी चीज़ों की, सूट कटिंग, ब्लाउज़ कटिंग, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको मिलेगी मेरे चैनल पे। आप जाके वहाँ पे विजिट करके देख ले और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब हम इस तरीके से तीरा को अटैच कर लेते हैं। तो मैं आपको तीरा अटैच करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने तीरा अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम बटन पट्टी और हुक पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कांच की पट्टी लगाएँ, हुक की पट्टी लगाएँगे। ये देखिए इस तरीके से हुक वाली पट्टी हमारी ऊपर की ओर रहती है। अब हम इसे सिल के एक राउंड ऊपर से सिलाई देंगे जिससे ये बैठ जाए और ये कपड़ा अंदर हमारा आसानी से चला जाए। तो ये देखिए अंदर की ओर हम फोल्ड कर देंगे और इसमें हम हुक लगाएंगे। और सेम इसी तरीके से हम दूसरा पैटर्न भी तैयार करेंगे जो कि हमारा ऊपर की ओर होगा, वो हमारा काज पट्टी होगा। तो काज पट्टी और बटन पट्टी हम इस तरीके से तैयार करते हैं। तो ये देखिए तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने देखिए दोनों तैयार कर लिया। अब हम इसका गला बनाएंगे फ्रंट पार्ट का, क्योंकि बैक पार्ट में हम कॉलर लगाएंगे तो बैक पार्ट में गला नहीं बनाना है, नहीं है और नहीं कुछ करना है। तो हम फ्रंट पार्ट में इस तरीके से और एक पट्टी कट कर लेंगे। और मैं यहाँ पे डोरी वाली पाइपिंग बना रही हूँ। अगर आपको डोरी वाली पाइपिंग देखनी है तो मेरे चैनल पर भी जाके वो भी देख सकते हैं आप। तो ये देखिए इस तरीके डोरी हमें रखना है अंदर और पाइपिंग को इस तरीके से और वाली पट्टी को अटैच करना है। दे दिया है यहाँ पर मैंने एक सिलाई दे दी है। अब हम इसे अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर एक सिलाई देंगे जिससे हमारी इस तरीके से पतली सी और सुंदर सी पाइपिंग बाहर आएगी जो कि देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर अटैच भी कर दिया है। और अब हम चलते हैं इसका कंधा अटैच करने। तो देखिए बैक पार्ट में मैंने डॉट लगा लिया और नीचे से फोल्ड कर लिया 1/2 इंच। अब हम इस तरीके से अपने दोनों पैटर्न को रखेंगे और उसका कंधा अटैच करेंगे। तो मैं आपको कंधा अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद कंधे को अटैच करना है। कुछ इस तरीके से मैंने कंधा अटैच कर ली। अब देखिए हमें इस तरीके से बराबर इस तरीके से रख के मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा फिनिश हो गया। अब हम कॉलर की तरफ चलते हैं। तो कॉलर के लिए मैंने यहाँ पर स्टैंड कॉलर वाले बकरम जो आता है मैंने वो लिए। अगर आपके पास नहीं है इस तरीके से बकरम तो आप नॉर्मल बकरम को भी स्ट्रेट कट करके बना सकते हैं कॉलर। मैंने 7.5 इंच लिया क्योंकि मेरा कॉलर 14 इंच का है। अब हम यहाँ पर कॉलर का शेप देंगे इस तरीके से, एक हल्का सा कर्व देंगे, ज़्यादा नहीं देना है, मुझे हल्का सा कर्व देना क्योंकि मैं यहाँ स्टैंड कॉलर है तो मैं हल्का सा हम यहाँ पर कर्व देंगे जिससे हमारा स्टैंड कॉलर का लुक आए। तो ये इस तरीके से कुछ हमारा शेप होगा। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैं आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसे कट करके ये हमें अच्छे से कट करना है ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी से और कॉलर का शेप भी अच्छा हो। तो हम इसे कट कर लेंगे। और ये देखिए मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है और
इस तरीके से हम इसके ऊपर अपने बकरम को चिपका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बकरम भी चिपका लिया है। अब देखिए इसे ओपन करेंगे और इस तरीके से इस पर सिलाई देंगे। और ध्यान दें, जब भी हम कॉलर चिपकाएं तो कॉलर अगर कपड़ा आपका उल्टा है, सीधा है, तो आप पहले उल्टे वाली साइड में ही रख के बकरम को चिपकाएं, नहीं तो इससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा उल्टा सीधा में कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब देखिए इसे मैंने सिलाई कर दिया है। अब इस तरीके से हम फिर से फोल्ड करेंगे और जो हमने शेप दिया है इस तरीके से शेप दिया, इस पर हम दोनों साइड में सिलाई चलाएँगे। तो मैं आपको यहाँ पर सिलाई करके दिखा रही हूँ किस तरीके से मैं शेप में सिलाई करनी है। देखिए मैंने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कॉलर पे किया है क्योंकि मैं स्पेशली ये कॉलर वाला ही वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या फिर छोटी मोटी चीज़ें आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे चैनल पे भी जाके उन सारी चीज़ों को वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए मैंने इस तरीके से कॉलर को पलट लिया है और जो भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे हम कट करेंगे। हमें यहाँ पर इतना ही कपड़ा लेना जितना हम सिलाई में एडजस्ट कर सकें। तो हम इस तरीके से कट करके अलग कर लिए। उसके बाद हम बिस्तर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे कट का मार्क लगाएंगे सेंटर का, जिससे हमें पता चले कि हमें कॉलर कहाँ से अटैच करना है। ब्लाउज में भी इस तरीके से हम पैटर्न को पकड़ेंगे और बीच में सेंटर का मार्क करेंगे, यानी कि कैंची से इसे कट कर लेंगे हल्का सा। तो उसके बाद हम अपने पैटर्न को सीधा रखेंगे, यानी कि ब्लाउज जो हमने सिला है उसे हम सीधा रखेंगे। आप ध्यान दें, जब भी हम कॉलर लगाएंगे तो उसे सिले सीधे साइड में रख के लगाएंगे, जिससे हमारा कॉलर सीधा आएगा। तो इस तरीके से हमें दोनों सेंटर को मिलाना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद देखना है कि हमारा लास्ट वाला सेंटर कहाँ है। तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे चौक की मदद से, जिससे हमें कॉलर लगाते टाइम मेरा कॉलर बढ़े ना और इधर उधर ना भागे और इक्वल एक बराबर आए, एडजस्ट जितना हमें करना है उतना ही हो। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे और इस पर सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम इसे सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमें अच्छे से रखना है और जो भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उतने ही पे ही ऐसा सिलाई करना है कि हमारे पास उतने पे ही एडजस्ट हो, ज़्यादा हमारा कपड़ा अंदर ना दबे। अब हम इसे सिल के दिखा रहे हैं। ये देखिए मैंने सिल दिया। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। तो अंदर हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो बाहर कपड़ा निकला है उसे हम इस तरीके से रखेंगे, अंदर फोल्ड करेंगे, जिससे ये स्टैंड खड़ा हो जाए। तो अब हम इस पर भी सिलाई चलाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की ओर था उसे हम अंदर की ओर डाल के सिलाई कर देंगे। तो इसे पूरा हमें सिलना लास्ट तक लेकर आना है और एकदम टाइटली सिलना है कि हमारा कहीं भी झोल ना मारे कॉलर, क्योंकि कॉलर पे जब कपड़ा झोल मलेगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक दो बार धुलने के बाद बकरम अलग हो जाता है। तो अब स्टैंड जब भी कॉलर बनाएं तो उस पर टाइटली कपड़े को पकड़ के खींच के सिलाई करें। अब देखिए इस वाले सिरे पे हम आएंगे तो यहाँ पर हम चाप को दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर एक और शेप सिलाई दे देंगे, जिससे हमारा ये अच्छे से फिटिंग आ जाए और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छे से आए और हमारा जो कपड़ा थोड़ा बहुत झोल मारने का चांस रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा इस सिलाई के बाद। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे सिल के निकाल लेना और जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा धागा का इधर उधर हो तो उसे भी आप कट करके निकाल लें, क्योंकि जब भी कोई भी कपड़ा अगर हम सिलते हैं तो फिनिशिंग का भी ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी सिलाई देखने में गंदी लगती है। तो अब हम इस तरीके से इसको उतार लेंगे अपने चाप को। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको चाप उतार के दिखा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर चाप उतार ली। अभी देखिए इस तरीके से मैं कपड़े को सीधा कर लेना है और पैटर्न को रखना है और इक्वल एक बराबर से कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब बैक साइड के बराबर ही हम फ्रंट साइड को स्टिच कर देंगे और साथ ही तो ये देखिए मैंने साइड का सिलाई भी दे दिया फिटिंग वाली और साथ ही मैंने इसमें बांह लगा दिया। तो कॉलर काफ़ी अच्छे से बना है और मैंने बांह में पाइपिंग लगाया हुआ है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा जिससे सारे अपडेट मिलते रहे। एंड हाँ, कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।